आपका स्वागत है। यवतमाल के बाबुल गांव के तालुके में मुबारक गांव में ग्रामस्थ और थानेदारों में हुई जबरदस्त मारपीट। गांव में अवैध दारू बंदी करो, ऐसी उनकी मांग थी। जब ग्रामीण के लोगों ने बंदी की मांग की तो उन्हें थानेदारों ने अपनी खाकी वर्दी की धमकी दी। अमरावती जिले के नांदगांव में सोयाबीन की फसल खराब हो रही है। उसमें इल्ली, कीड़े, चकरी, भूंगा, मक्खिया जैसे कीड़ों ने अपना घर बनाया है। इस वजह से सोयाबीन की फसल को बचाने के लिए जल्द ही उपाय योजना बनाने की घोषणा हुई है। ये घोषणा उपविभागीय कृषि अधिकारी प्रीति रोगड़े इन्होंने की है। हिंगोली शहर में भिन्न भिन्न जगह बड़े पैमाने से गाय ढोर की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बार तो इन जानवरों की वजह से सड़कों पर दुर्घटना होने की खबर भी सामने आई है, जिसके चलते हिंगोली पुलिस और उनके सहकर्मी इन्होंने घूमते गाय ढोरों को पकड़ने का काम कर रही है और इस काम में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। MNS News Live देखने के लिए MNS India Play Store से आज ही डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।